पहले तो वेलकम टू पीएससी वाला, और कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा रहा कि प्रीलिम्स निकला, क्योंकि इस बार पेपर हमने सुना है कि काफी टफ था। मतलब एज कम्पेयर बिल्कुल टू लास्ट ईयर है ना, पेपर थोड़ा सा इस बार शायद लग रहा था कि साइंस वगैरह का जो सेक्शन है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ भी आया है लास्ट ईयर ना। तीन तीन और चार नंबर से साथ रह गया था लास्ट अच्छा, ईयर। लास्ट ईयर भी तुमने दिया था, 3-4 नंबर से रह गया था। हाँ, ओके, सेकंड अटेम्प्ट है। ठीक है, वेरी गुड। तो पहली चीज तो मुझे ये बताओ कि क्या स्ट्रैटेजी, जो लास्ट टाइम तुम्हें क्या लग रहा था कि क्यों रह गया, और इस टाइम पे तुमने ऐसी क्या चीजें करी जिसकी वजह से तुम्हारा आसानी से क्वालिफाई हुआ है? लास्ट टाइम साइंस सेक्शन थोड़ा सा वीक हो गया था, जो मतलब सिली मिस्टेक की वजह से चला गया साइंस ओके ओके सेक्शन, और थोड़ा हिस्ट्री की वजह से चला गया था। बाकी पॉलिटिक्स पॉलिटी में नंबर थे और अदर सेक्शंस में थे, क्योंकि इकोनॉमिक्स वगैरह काफ़ी शॉर्ट लिमिटेड क्वेश्चंस है, लिमिटेड एरिया है, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया स्टेट या सेंटर का, तो उससे रिलेटेड रहता है। तो वो था साइंस का, थोड़ा मिस्टेक हो गया, सिली मिस्टेक, और हिस्ट्री गलत हुई थी, बिहार की हिस्ट्री स्पेशली, बिहार से ओके, रिलेटेड। यस सर, यानी कि तुम्हारा ये कहना है कि साइंस और हिस्ट्री का जो सेक्शन वीक था वो उसको इस बार तुमने कंप्लीट किया, और उसको उसकी वजह से तुम्हारे लिए आसान हो गया इस बार का प्रीलिम्स निकालना, राइट? और अब ये चीज बताओ कि जैसे बहुत सारे, तुम्हारा मीडियम क्या है? पहली चीज तो ये इंग्लिश मीडियम ऑफ राइटिंग इंग्लिश होगा। होगा। तो जैसे बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्शन है बिहार बिहार में कि हिंदी और इंग्लिश को लेके, तो तुम्हें डिफिकल्टीज, जैसे मटेरियल्स वगैरह की डिफिकल्टीज होती है कि कई सारे लोग ब्लेम करते हैं कि हिंदी का मटेरियल अवेलेबल है इंग्लिश का नहीं है, या इंग्लिश का मटेरियल है हिंदी का नहीं है। तो तुम्हें मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी आसानी से हो जाती है? आई थिंक जो पीएससी वाला पे जो मटेरियल है वो सफिशियंट है तुम्हारे लिए। आज के टाइम तो हो जाती है क्वेश्चंस अच्छा, के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम्हारी डिमांड जो है वो फुलफिल हो जाती है। और अब तुम्हारा क्या मतलब प्लान है कि कैसे मेंस के लिए क्या स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहे हो? सर सेक्शन वाइज तो जैसे मैंने सिलेबस देखा था, जो सेक्शन GS 1 हो गया, तो GS 1 में आप 3 सेक्शन हो गया, Section 1, 2 और 3। तो फर्स्ट वाले में हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। और इसमें क्या है कि आर्ट एंड कल्चर में 3 से 4 टॉपिक है मोस्टली, कि इससे ही पूछते हैं अल्टरनेटिव वे में, सर आज ये साल ये पूछा तो अगले साल बाकी जो बचे हुए रिमेनिंग से उसमें से पूछेंगे। तो उनका है ओके, कि अगर 4 आर्ट एंड कल्चर कर लेते हैं तो उनमें से कोई एक आ जाएगा। और बाकी पेपर 2 के लिए? पेपर 2 के लिए एक पॉलिटी है, और इकोनॉमी और ज्योग्राफी दोनों इंटर रिलेटेड है, तो क्वेश्चन डायरेक्टली स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स से ना या ज्योग्राफी से नहीं आती है, वो दोनों जहाँ पे इंटर डिपेंडेंट है एक दूसरे से, वहीं से क्वेश्चन जनरली पूछते हैं। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, वुमेन पार्टिसिपेशन हो गया, तो यहाँ पे क्वेश्चंस रहते हैं। तो क्या इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी अपना रखी है अभी कि कैसे टैकल करोगे इसको? तो पहले तो प्रीवियस ईयर का जो पेपर्स रहेगा उसको देखना है, किस किस एरिया से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो देखना पड़ेगा। और इस बार बिहार का काफी कुछ सिलेबस भी चेंज हुआ है, जैसे ऑप्शनल आई थिंक, तो ऑब्जेक्टिव हो गया, क्वालिफाइंग इन नेचर हो गया, तो ऑब्जेक्टिव उसकी वजह से चैलेंजेस क्रिएट होंगे या फिर इजी हो जाएगा क्वालिफाई करना, मतलब तुम्हारे परस्पेक्टिव से? चैलेंजेस ये हो जाएगा, क्योंकि वो रिसाइटल मेमोरी काम आएगा वहाँ पे, या तो बुक्स वगैरह, जैसे नेट में क्या है कि बुक्स वगैरह पूछ देते हैं, या फिर स्टेटमेंट वगैरह हो गया, तो इसमें कि आपको रट्टा मारना पड़ जाता है, वो दिक्कत है। और ये था कि पहले क्या था, सब्जेक्टिव वाइज होते थे, तो आप जो एक्सप्लेनेशन समझे हो वो आप कॉपी पे उतार देते थे। अब एक जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपको आना चाहिए, एग्जैक्ट वही आना चाहिए। तो मतलब इट मींस एक कि अगर रहता मेंस मेंस में जो ऑप्शनल खत्म हुआ है उसकी वजह से थोड़ा सा मेमोरी पावर का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा कंपैरेटिवली एनालिटिकल वे, है हाँ। ना? ओके, चलो बढ़िया। और ऐसे के बारे में क्या प्लान किया है? सर जैसा जो ऐसे के बारे में बताया गया था सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो 3 पार्ट्स रहते हैं ना, तो पहला दो तो बिहार से रिलेटेड रहेगा, पहला दो जनरल रहेगा ऐसे। उसके लिए सर ने बोला था कि खास तैयारी नहीं करना, लेकिन जो जनरल एसेस वगैरह, जैसे यूपीएससी का हो गया, तो यूपीएससी का जो रिलेटेड एसेस वगैरह होते हैं जनरली, या फिर हिंदी से जो ऐसे हो गया उससे हिंट लेना पड़ेगा कि हाँ अच्छा किस किस एरिया से एसेस आते हैं। जैसे हिंदी में भी है कि कंपलसरी पेपर जो था तो उसमें एसेस आते थे, बस वो है कि हिंदी में रहता था और ये इंग्लिश में रहेगा, तो उससे हिंट ले सकते हैं कि हाँ इसका लिमिटेशंस कहाँ रहेगा, ओके, एक्सटेंशन हो जाएगा।
ठीक है। और अब एक चीज मुझे बताओ, जैसे बहुत सारे लोग तो क्वालिफाई बहुत सारे लोग तो क्वालिफाई होते नहीं है, तुमने क्या स्पेशल किया प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए, क्या स्ट्रैटेजी बनाई थी कि जिसकी वजह से सारे तुम्हारा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जो ज्यादा कंफर्म लग रहा था वो ज्यादा अटेम्प्ट किया था। और जैसे 150 क्वेश्चंस थे, मुझे पता था कि जब नेगेटिव मार्किंग रहती है तो कट ऑफ 50% के आसपास रहता है, तो मैंने 131 हाँ 130 के आसपास मैंने अटेम्प्ट किए थे। 125 टू 130 के बीच में अटेम्प्ट किए थे, क्वेश्चंस मैंने लीव कर दिए थे जहाँ पे ओके लग रहा था कि हाँ, क्योंकि मैं तुक्का जो है गेसिंग गलत होता है, तो फायदा नहीं था वो करने का, नेगेटिव चला जाता है। इट मींस तुमने स्मार्ट वर्क खेला कि वहां पे माइनस मार्किंग है, तुमने पहले से एनालिसिस कर लिया कि नीचे जाएगा कट ऑफ, तो तुमने वहां पे अपना जो कॉन्सेप्चुअली बिल्ड क्वेश्चन थे उनको करके और बाकी को रिलीव कर दिया कि नहीं करेंगे इस बार, तो इस वजह से। चलो ये अच्छा, वैसे अच्छा डिसीजन है। तो बहुत सारे, जैसे बहुत सारे लोग नहीं क्वालिफाई करते, तो उनके लिए अच्छा तरीका है कि एक कोर कॉन्सेप्ट को पकड़ के चले और अपना जो गेसिंग वर्क है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। अब तुम्हें मेंस के लिए बेसिकली पीएससी वाला से क्या रिक्वायरमेंट है, कि तुम्हें क्या लगता है कि पीएससी वाला तुम्हारे मेंस के लिए कहाँ हेल्प कर सकता है? सर, आपका जो नोट्स जीएस जो स्टार्ट हुआ था पॉलिटी का, तो सारे टॉपिक्स कवर करते हैं। जैसे प्रियम्बल, पहला क्लास ही प्रियम्बल से हुआ था, बेसिक स्ट्रक्चर आपने हाँ पढ़ा ही दिया था, फंडामेंटल राइट्स काफी एक्सप्लेन किए थे, 2-3 क्लास लग गया था उसमें, डीएसपी हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। बस ये है कि एक हो गया इससे करंट से इंटर रिलेट करने का, हाँ क्योंकि इसमें दिक्कत क्या है ना कि सारे सबके आंसर है ना मोर ओवर सिमिलर हो जाएंगे और वो नहीं नेगेटिव सिंपल, क्वेश्चन। देखो मैं बात पे तुम्हें गाइड कर दे रहा हूँ। तुमने अच्छा वैसा क्वेश्चन पूछा है कि मेन खेल फ्रेमिंग का है आंसर राइटिंग में, जैसे मेंस में लिख रहे हो ना, पूरा खेल फ्रेमिंग का है कि आप कैसे फ्रेम करते हैं क्वेश्चन। और बिहार का जो मैंने एनालिसिस किया था, तो वो लिमिटेड टॉपिक को ही टारगेट करते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो बिहार से कहीं ना कहीं ग्राउंड से कनेक्टेड है। लाइक जैसे बिहार का तुम्हारा वहां पे आज की डेट में जिस तरीके से वहां पे पॉलिटिकल डिसेबिलिटी तुम्हारा कास्ट का क्या पूछना चाह रहे हो? सेंसर हाँ, जो हो रहा कास्ट है सेंसेस के, वो उनका कास्ट सेंसेस हो गया, पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन वगैरह के जैसे चीजें वहां पे चल रही हैं, कास्ट पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है, तो इस तरह के जो चीजें हैं ना उनको थोड़ा सा एसिमुलेट करना पड़ेगा। जैसे इलेक्शन कमीशन में अभी चेंजेस हुआ है, तो मेरा जो गेस है इस बार के मेंस में तुम्हें इलेक्शन फेवरेट कमीशन से क्वेश्चन मिलने के 100% चांसेस है। यूपीएससी में आएगा या फिर बीपीएससी में कंफर्म है वो आना ही। बीपीएससी में भी बीपीएससी में भी आ सकता है, यूपीएससी में हो सकता है कि वो ज्यादा एनालिटिकल लेवल पे ले जाए, लेकिन बीपीएससी में भी क्वेश्चन बनेगा क्योंकि ये हॉट टॉपिक हो गया। और एक कॉलेजियम सिस्टम जो हो हाँ, गया कॉलेजियम सिस्टम, रिफ्लेक्टिंग जो है हाँ, सेंट्रल। तो इनको, इन टॉपिक्स को थोड़ा सा अच्छे से कर लेना। और ऐसे एक ऐसा सेक्शन है जहां से नंबर गेन करे जा सकते हैं, ऐसे को थोड़ा सा अच्छा फ्रेमिंग करना, ऐसे हाँ पे ध्यान देने वाला टॉपिक है, अगर ऐसे को अच्छा कर लेते हैं ना ये था तो सिलेक्शन पूछना कि आसान ऐसे हो जाए। में भी क्या कुछ करंट से रिलेटेड कुछ डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल डाल सकते हो, और मेरे हिसाब से ना उसकी एक स्ट्रैटेजी है। तो अभी हम लोग जैसे पीएससी वाला प्लान कर रहा है, तो अभी हम लोग आगे चल के ऐसे का क्लास भी करवाएंगे, तो उस पर तुम वहां पे देखना। तो ऐसे का एक फ्रेमिंग करने का अपना तरीका है कि जैसे सबसे पहले तो जैसे तुम न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ते हो, तो वहां पे कोई भी टॉपिक है तो उसकी भूमिका बनाई जाती है, यानी कि उसका फ्रेमिंग करा जाता है स्टार्टिंग में कि कैसे हम इस, जैसे कोई टॉपिक दे रखा है लाइक वुमेन एम्पावरमेंट, और तो तुम सीधा डेफिनेशन से स्टार्ट नहीं करोगे, तुम वहां वुमेन एम्पावरमेंट को सीधा डेफिनेशन नहीं लिखोगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। तुम वहां पे क्लासी तरीके से आज के जो करंट इवेंट हैं, जैसे बहुत सारे, जैसे अभी अपनी जो प्रेसिडेंट है मुर्मू जी है, वो एक वुमेन एम्पावरमेंट का सिंबल है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में देखा होगा गीता गोपीनाथ जो है IMF की, क्या कहते हैं, वहां पे डायरेक्टर बनी है, उनको ले सकते हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वहां से उनको स्टोरी लाइन में फ्रेम करके वहां से कर सकते हो करंट से। या फिर तुम एनसीआरटी में जैसे एग्जाम्पल रहते हैं ना, कोई स्टोरी कि वहां पे तुमने जैसे अपने आसपास अपना तुमने देखा कोई बच्ची है, बचपन में उसके साथ कोई चीज हुआ लेकिन उसने ओवरकम किया उसको और धीमे धीमे करके सोसाइटी में आगे बढ़ी, तो अपने हिसाब से कोई एक स्टोरी डेवलप कर सकते हो, वैसे भी फ्रेम कर सकते हो। डिपेंड ऑन यू कि तुम किस तरीके से जाना चाहते हो, करंट से जाना चाह रहे कुछ हो या स्टोरी में जाना चाह रहे हो। कुछ मैंने आंसर्स देखे तो उसमें कोटेशंस वगैरह भी यूज कर देते हैं कोटेशन जैसे। से लिखना मत, स्टार्टिंग मत करना कोटेशन से, कोटेशन को बीच में इस्तेमाल करना। जैसे वुमन एम्पावरमेंट की बात करें तो बहुत सारे कोटेशन मिल जाएंगे, तो कोटेशन को पहले ऑब्जेक्टिविटी मतलब जो फ्रेमिंग है ना स्टार्टिंग की, वो फ्रेमिंग बना दो, देन उसके बाद कोटेशन। कोटेशन का ये यूज नहीं है कि तुम कहीं पे भी जहां मन कर रहा वहां पे लगा रहे, कोटेशन का एक स्पेसिफिक जगह होती है, अगर तुमने वो जगह टारगेट करना सीख ली तो तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर जाएंगे ऐसे। और ऐसे को मान के चलो कि इट इज अ लार्जर क्वेश्चन कि
उसमें फ्रेम कर लेना कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में जैसे क्वेश्चन में लिखते हो 500 वर्ड में, तुम 4-5 लाइन में इंट्रोडक्शन कर देते हो, यहाँ पे तुम इंट्रोडक्शन करोगे अप्रोक्स कम से कम 100-125 वर्ड में, यानी कि तुम्हारा लगभग 1 पेज जाएगा पूरा इंट्रोडक्शन में, है ना। फिर उसके बाद एक एक डायमेंशन के वुमन एम्पावरमेंट का हिस्ट्री उठाओगे, हिस्ट्री के बाद वुमन एम्पावरमेंट से रिलेटेड पॉलिटिकल डायमेंशन उठाओगे कि लॉज क्या है, सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है, कैसे उन प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकते हैं, इस तरीके से उनका मतलब डायमेंशन सेट करके और फिर वहां पे लिखना है। अगर तुमने डायमेंशन मल्टी डायमेंशन में डिवाइड कर लिया तो ऐसे बहुत अच्छा मिलेगा और ऐसे तुम्हें नंबर गेन करा देगा। हाँ, ये थोड़ा फायदा होगा थोड़ा। हाँ, ऐसे में अगर तुमने डायमेंशन क्रिएट करना, जितनी ज्यादा, देखो ज्यादा नहीं लिखना है, जितनी ज्यादा डायमेंशन क्रिएट करोगे उतना प्रॉफिट होगा। ओके, तो ये यहाँ चीज पे पे फोकस करना। चार्ट वगैरह का भी यूज कर सकते हैं क्या बिल्कुल कर समझाने सकते के हो, लिए? चार्ट चार्ट का यूज कर सकते हो, स्टैट्स का यूज कर सकते हो। स्टैट्स इन द सेंस कि जैसे इकोनॉमिक सर्वे में तुमने देखा होगा, आई थिंक पिंक जो इकोनॉमिक सर्वे है वो वुमन को रिप्रेजेंट करने के लिए आया था, वुमन स्पेसिफिक डेटा जैसे एनसीआरबी का डेटा वगैरह हो गया, एनसीआरबी का डेटा को तुम वहां पे पाई चार्ट में बना के दे सकते हो, ठीक है, या वेन डायग्राम के थ्रू बना के दे सकते हो। तो डिपेंड ऑन यू कि कैसे करना चाह रहे हो, और जितना अच्छा रिप्रेजेंटेशन रखोगे उतना अच्छा जाएगा। इसके लिए तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा योजना जो मैगजीन आती है ना हाँ, यो उसको मैं उठा लेता लेना। हूँ, हाँ, ले रहा हूँ। योजना के आर्टिकल्स वहां पे कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सारी सारा आर्टिकल पढ़ लो, हर टॉपिक पे एक योजना उठाओ और योजना को उस डिटेलिंग में पढ़ लो उसको, और उससे डायमेंशन क्रिएट कर लो, और वहां पे तुम्हें काफी हेल्प हो जाएगी। मैं सोच रहा हूँ योजना से ना जो स्कीम्स वगैरह रिलेटेड है ना, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, तो स्कीम्स वगैरह आते हैं योजना में उस। स्कीम भी मिलेंगी, योजना में फ्रेमिंग मिलेगी। योजना को लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, योजना में फ्रेमिंग बहुत अच्छी आती है। उसमें अगर तुम देखोगे कोई भी एक टॉपिक तुम्हारा लगभग 1000-1200 वर्ड का मेंशन रहता है, और बड़े तरीके से उसमें तुम्हारा वेन डायग्राम भी मिलेगा, फ्लो चार्ट भी मिलेगा, और भी कई सारी चीजें मिलेंगी। तो उसको रीड करो, उसको देखो कि उन्होंने लिखा कैसे है। कॉन्टेंट तो इम्पोर्टेंट है ही, उनका लिखने का तरीका भी गौर करो कि उन्होंने कैसे फ्रेम किया है, कहाँ पे क्या चीज डाली है। अगर तुमने वो टारगेट कर लिया तुम्हारा ऐसे अच्छा हो जाएगा, सर, उससे बेहतरीन सोच रहे। एक ही टॉपिक पे 3-4 राइटर्स लिखते हैं, ठीक हाँ, है, वो थोड़ा वहां सा तुम्हें वहां ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। बिल्कुल, और किसी में सही। तुम्हें कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो तुम पूछ सकते हो। सर, वो डाउट आपका आईआर से रिलेटेड हो गया, आईआर से क्या कौन सा आईआर से, आर्टिकल? देखो आईआर से रिलेटेड कोई जैसे करंट में न्यूज जो चल रही है उन न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। लाइक जैसे अभी अगर तुम देखोगे तो इंडिया में G20 समिट हुई है, ठीक है, तो G20 समिट बेसिकली तुम्हारा उससे क्या इंडिया को बेनिफिट मिलने वाला है, क्या एडवांटेज वहां पे होगा, ठीक है, क्या उसकी इंडिया की क्या पावर वहां पे एम्पावर होगा, तो वो एक टॉपिक हो सकता है G20 अच्छे से कर लेना। इसके अलावा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हाईलाइटेड रहता है, रशिया यूक्रेन वॉर हाईलाइटेड है साइन पे, ठीक है, इसी तरीके से नाटो हाईलाइटेड है। तो ऐसे कुछ टॉपिक अपने डिसाइड कर लो और उनपे फ्रेमिंग करना है। ओके लगभग 10-12 बीपीएससी का जैसे हिसाब से सिलेबस है, आई थिंक 12-15 टॉपिक तुम्हें टारगेट करने पड़ेंगे, 12-15 टॉपिक में तुम्हारा काम हो जाएगा, इससे ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस सर, हिसाब का पेपर आता है उस हिसाब से 12-15 टॉपिक। हाँ रीजन का जो आता है मंथली, एक रीजन आईएएस का मंथली आता है, तो उसका मैंने क्या किया, तो आईएएस सेक्शन का ना सारा हाँ कंपाइल करके निकाल लिया, जो छह ओके। सात अरे महीने का उसकी मैं सजेस्ट करूंगा कि जैसे पीएससी वाला की मंथन बॉडी मैगजीन आ वाला। रही है, मंथन मैगजीन आ रही है, तो मंथन मैगजीन को अभी अगर तुम खोलोगे तो उसमें कई जगह पे कई सारी चीजें जो है वहां पे इस तरीके से फ्रेम करके दी गई हैं, जहां पे तुम्हारा आईआर का सेक्शन कवर हो जाएगा, तो वहां से तुम ये चीज कर सकते हो आईआर के लिए। और बाकी कोई डाउट है तो वहां पे है कांटेक्ट के लिए, तुम आराम से कांटेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ओके है। सर, स्कीम्स वगैरह ऐड करना होगा ना, हर हर ऐसा है कि हर क्वेश्चंस वगैरह में स्कीम्स और रिलेटेड जो रिपोर्ट्स होते हैं उनको डालना ही होगा। नहीं, ऐसा कोई किसके लिए, आईआर के लिए? हाँ, आईआर के लिए नहीं, जैसे पॉलिटी पॉलिटी वगैरह हो गया, साइंस एंड टेक पॉलिटी हो में, गया। देखो पॉलिटी में तुम्हें स्कीम्स का यूज इस्तेमाल करने मिलेगा, जैसे डीपीएसपी से रिलेटेड कोई आर्टिकल आया वहां पे तुम हाँ इस्तेमाल कर पाओगे, और इसके अलावा तुम्हें ज्यादा जगह पे स्कीम्स का इस्तेमाल नहीं करने मिलेगा पॉलिटी में, केसेस वगैरह बाकी ऐड केसेस करना होगा ना। करना पड़ेगा। केसेस में कुछ सिलेक्टिव केसेस हैं उनको तुम दिमाग में रखो, जैसे प्रियम्बल का हमने तुम्हें बताया था, डीपीएसपी में हमने तुम्हें एक दो जगह बताए हैं, इसके अलावा मैंने तुम्हें बेसिक स्ट्रक्चर की पूरी कहानी बता रखी थी कि कैसे वो डेवलप हुआ, तो तुम्हें उसके से रिलेटेड।
इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड अभी रिसेंट में जो जजमेंट आया वो चीज थोड़ा सा दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं जिनको ध्यान रखना पड़ेगा। ऑर्डिनेंस का केसेस हो गया, ऑर्डिनेंस का केसेस वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, तो वो चीज तुम थोड़ा सा देख सकते हो। और साइंस टेक में जो क्वेश्चन है वहां पे तुम्हें स्कीम की जरूरत पड़ेगी। बजट के अगर मान लो इकोनॉमी से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक है वहां पे तुम्हें स्कीम्स की जरूरत पड़ेगी। और ये बिहार का भी उसमें कंटेंट डालना होगा हर कोई आंसर में? डिपेंड, देखो अगर पूछा है क्वेश्चन में कि बिहार स्पेसिफिक बताना है तो डेफिनेटली डालना पड़ेगा। अगर नहीं पूछा है तो ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि तुम डालो ही उस चीज को लेके, जरूरत नहीं है उस चीज की। अगर नहीं आ रहा तो अननेसेसरी गलत मत लिखना। अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, अपना नॉर्मल लिख के चले जाओ, बट गलत मत लिखना। गलत लिखोगे तो फिर वो नुकसानदायक हो जाएगा। क्योंकि हर चीज में सारे रिपोर्ट्स में कोई स्कीम्स, हर एरिया में स्कीम्स नहीं है बिहार का, या तो वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो जाते हैं, बिहार रिलेटेड स्कीम्स बहुत कम है। सात निश्चय हो गया, बस वही तक लिमिटेड है, तो जो कुछ ऐड करना होगा रिपीटेटिव हो जाता है ना। स्पेसिफिकली साइंस की जो स्कीम्स हैं उसमें सेंटर की ही स्कीम मिलेंगी तुम्हें, नीति आयोग की स्कीम्स मिल जाएंगी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्कीम्स मिल जाएंगी, तो उनमें तो तुम्हारा सेंटर की स्कीम मिलेंगी। ठीक है, तो आराम से अपना एग्जाम दो, और जो भी डाउट हो हम लोग से है, पीएससी वाला है, कांटेक्ट करते रहो, तो जो भी डाउट होंगे वो तुम लोग आराम से उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।